नाम शादी हनीफ खान है, मैं सोरा से बिलोंग करता हूँ, श्रीनगर से। मैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमें आज तक यूथ को, हमारे यूथ को रग डाला गया है, अभी तक हमारे यूथ के लिए कोई भी अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया है जो लेना चाहिए। अभी जैसे आप बाहर के स्टेट्स में देखो कैसे वहाँ पे स्कूल्स है, कैसे कॉलेज है, कैसी यूनिवर्सिटीज़ है या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूँ क्योंकि मैं अपने यूथ के लिए पॉलिटिक्स में आया हूँ, जो हमारे यूथ को प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, आज तक आपने इनको बहुत टाइम पावर में लाया, क्या किया इन्होंने पावर में आके? कोई आपका काम निकलता है फिर इनको पावर में ला के? जो आप अपना वोट दे रहे हो, इनको वोट ऑफ कास्ट अपना हक है, आप वोट कास्ट कर रहे हो, लेकिन आपका वो काम भी हो रहा है फिर 5 सालों में? आप वो भी देखो कितने टाइम आपने इनको पावर में लाया। जब ये लोग पावर में होते हैं तब इनका चेहरा ही अलग होता है। वो बड़े लीडर्स हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप एक बार सोचिए कि आप बार बार इन्हीं पार्टीज़ को वोट दे रहे हैं लेकिन हमें रगड़ा लगता है, फिर हमारा कोई भी काम नहीं निकलता है। हमारा यूथ यहाँ से, आप देखो खुद नॉर्थ साइड से कुपवारा के लड़के या हंदवारा के लड़के या कुपवारा से ऊपर लड़के पढ़े लिखे हैं, ये पंजाब जाते हैं, जिसे हम वो फेरी कहते हैं, पंजाब चिकसानी फेर करने खतर बेपरीत लिखित नौजवान, इन तुथ का मतलब प्लेटफॉर्म मिलान क्या सैनिक नौजवानस ये कम कर या पन एजुकेशन कर पूरे तम कर सर्विस कर, कोई भी ऐसा हमारे यूथ को इनिशिएटिव नहीं मिल, अच्छे इनिशिएटिव नहीं मिलते हमारे यूथ को। देखो मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ, अभी लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं एक नया चेहरा हूँ, आगे आगे मुझे लोग पहचानेंगे इंशाल्लाह। मैं निकला हूँ अपने कौम के लिए ही, मैं अपने यूथ के लिए निकला हूँ। यूथ छु मारान हर साइड, चाहे ड्रग्स छु मारान चाहे गोल से छु मारान, मैं अपने यूथ के लिए निकला हूँ। अच्छी भाई पान जो हमारी मैंटेलिटी है सोचा चेंज कर, मैनिफेस्टो है मेरा। जैसे देखिए आप, हर किसी पंचायत में मैरिज हॉल्स होने चाहिए या गसन आसन स्कूल्स होने चाहिए, जो मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स में मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए अनमैरिड वुमेन्स के लिए, मैरिड वुमेन्स के लिए, ओल्ड एज के लिए। जिस पन्ने लोकन अपील करान कि तिम करन में वोट कास्ट, वोट करन में तिम अमे मूजूब कास्ट कि यमन प्रॉब्लम मन तुम सफ़र छू करान, मैं बराबर आपके साथ रहूँगा अगर आप मेरे को पावर में लाओगे। मैं आपके दरवाजे तक आज नहीं कल नहीं, मैं आपके दरवाजे पर 5 साल बराबर आऊँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स देखूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। कल को आप ये ना बोलो कि हमारे पास कोई नहीं आया था, मैं आपके पास अभी आया हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी हर एक घर में जा रहा है, तो मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे को वोट कास्ट कीजिए अपनी बेटरमेंट के लिए। आपको याद दिला दूँ, मेरा निशान जो है वो फ़ोन चार्जर है, आप फ़ोन चार्जर पर ही बटन दबाइए।